मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। आने वाले दो दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर उमरिया, बांधवगढ़, शहडोल और बाणसागर बांध क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। इन इलाकों में बिजली के साथ जोरदार बारिश की संभावना है, जिससे मौसम का मिजाज और भी रोमांचक हो सकता है। पश्चिमी झारखंड के चक्रवात का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा तीन और मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं, जो बारिश की गतिविधियों को और बढ़ावा दे रही हैं। अब तक प्रदेश में 645.2 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से अधिक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश से ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और वेस्टर्न पार्ट्स में जो है मेनी प्लेसेस में, और ब्लू कलर का है तो मोस्ट प्लेसेस में इसका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यहाँ पे फिर जो ऑरेंज अलर्ट का जो फिनोमेना थोड़ा कम हो जाएगा, और पूरे जो ईस्टर्न पार्ट्स के अनेक जिले में जो है हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है। रीवा, मऊगंज, सतना, चित्रकूट, मैहर, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, कटनी, डिंडोरी और अनूपपुर में मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि अमरकंटक, सिंगरौली, मंडला, कान्हा, ग्वालियर, दतिया, रतनगढ़, सीधी, टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा, बालाघाट, सिवनी, पांढुर्ना, पेंच, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर में हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पूरे मध्य प्रदेश के जैसे छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी हो गया, रीवा हो गया, मऊगंज हो गया, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, सिवनी तथा सेंट्रल एमपी के रायसेन, विदिशा तथा सीहोर में जो है, और ऊपर में दतिया और भिंड में जो है येलो अलर्ट दिया गया है। यहाँ पे भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है 9 तारीख को, जिसका की वर्षामान 64.5 से 115.5 मिलीमीटर होगा। आधी रात को भेड़ाघाट, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, हरदा, खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, रायसेन, सांची, भीमबेटका, विदिशा, उद्यगिरी, भोपाल, बैरागढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, मंदसौर, गांधी सागर बांध और झाबुआ में बारिश का अनुमान है, जिससे रात का मौसम और भी सुहावना हो जाएगा। हो सकता है फिर अभी जैसे 10 तारीख का भी हमने पूर्वानुमान दिया है। 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी कमी आई है, और जो मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है नॉर्थ मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर चंबल संभाग है, और कुछ जैसे सागर संभाग के उत्तरी जिले और रीवा संभाग में जैसे ज्यादा रहेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मोस्ट प्लेसेस पे वर्षा हो सकती है, और बाकी ऊपरी मीन सागर संभाग के जो उत्तरी जिले है छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ यहाँ पे तथा पन्ना और दमोह में जो है यहाँ पे भारी वर्षा भी हो सकती है, और बाकी जगह पे आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ बौछारें होगी, और यहाँ पे भी जो है कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। तो ये जो 10 तारीख का पूर्वानुमान दिया है चेतावनी के तौर पे गरज चमक से मीन्स वज्रपात से बचने के लिए आम आदमी ने अपनी मीन्स सावधानी बरतनी चाहिए। उसी के साथ 11 तारीख को फिर आप देख सकते हैं 11 से 15 तारीख के लिए जो है धीरे धीरे वो सिस्टम जो है वेस्ट साइड में मूव कर जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा हल्का कहीं कहीं जो है पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जो है ड्राई स्पेल हो सकता है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पश्चिम मध्य प्रदेश में थोड़ा गरज चमक के साथ बौछारें होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस बीच प्रदेश में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक की रोक लगा दी गई है। मानसून के मौसम में मछलियाँ अंडे देती हैं, इसलिए उन्हें पकड़ने पर पाबंदी लगाई गई है। यह रोक मछली पालन विभाग द्वारा 1972 में बनाए गए रूल के अनुसार है। किसी भी प्रकार की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम और भी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए अगर आप इन इलाकों में हैं, तो तैयार रहें। यह मॉनसून आपके लिए कई सरप्राइज लेकर आ सकता है। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।